दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं हूँ एक बस स्टॉप के पास और यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, देखने में बिल्कुल प्लास्टिक की तरह हैं। और यहाँ का ये बस स्टैंड है, और इस जगह का नाम है तमारा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। मौसम बिल्कुल साफ है और धूप खिला हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक रिवर 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और यहाँ पे इस तरफ लिखा है पोर्टवीज 26 किलोमीटर दूर, और काफ़ी रास्ते में फूल लगे हुए हैं। ये फूल बिल्कुल प्लास्टिक की तरह दिख रहे हैं, और यहाँ का फुटपाथ बिल्कुल साफ और क्रॉसिंग करने के लिए यहाँ पे, और यहीं पे चमेली के फूल काफ़ी सुंदर हैं ये फूल। और एक और बस स्टैंड है इधर, इसका शॉपिंग मॉल। सभी कुछ है यहाँ पे, सुपर मार्केट सभी कुछ है। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से जाने के लिए सभी सामने रोड लगे हुए हैं आपके को। रास्ते पे काफ़ी गाड़ी आ रही जा रही है, पेड़ के नीचे काफ़ी बड़ा और छायादार पेड़ है। धूप काफ़ी तेज है, इसलिए उसकी छांव में कुछ लोग बैठे हुए हैं। और रास्ते पे काफ़ी गाड़ियां हैं जो आ रही जा रही हैं। तो यहाँ का मॉल और यहाँ पे कुछ खजूर के पेड़ है, देखिए खजूर के पेड़। और यहाँ का रास्ता है, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो लिखा है समथिंग न्यू इज कमिंग, शायद यहाँ एक और शॉपिंग मॉल बन रहा है। लोग इस तरह रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। और यहां का राउंड अबाउट एक और चलते हुए ब्लॉक, यहाँ से दूर एक खूबसूरत पर्वत दिखाई दे रहा है, देखिए मेरे पीछे खूबसूरत है। और यहाँ मॉरिशस का एक झंडा लहरा रहा है ऊपर पर्वत के आगे, और इस तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ। तो चलते हुए एक और ब्लॉक, अभी मैं एक जगह पे जाने वाला हूँ, एक खूबसूरत जगह पे, तो मेरे साथ बने रहिए, थोड़ी दूर और चलते हैं। और इस तरफ यहाँ का शॉपिंग मॉल जो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत सारे खजूर के पेड़ हैं, देखिए
दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। खजूर के पेड़ तो कई हैं लेकिन उसमें कोई भी फल नहीं है। ये जो एक खजूर का पेड़ है बिल्कुल सूख गया है, इसमें एक भी पत्ते नहीं है। और उस तरफ जो कुछ है जो काफ़ी हरे भरे हैं लेकिन एक भी फल नहीं है उसमें। और यहाँ पे एक खूबसूरत पर्वत है। पर्वत दूर से देखने में तो काफ़ी खूबसूरत होते हैं लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो बहुत कांटेदार पेड़ होते हैं, पत्थर और बहुत सारे मच्छर। और उन पर्वतों पे कुछ लोगों के घर भी हैं। और इस तरफ यहाँ का सुपरमार्केट। चलते चलते अभी मैं पहुँच गया हूँ एक स्कूल के पास। शायद यहाँ कोई प्रोग्राम था, यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं इस तरफ। और यहाँ से तो हम आमेल नाम का पर्वत दिखाई दे रहा है, देखिए मेरे पीछे। और ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। और यहीं से चलते हुए मैं पहुँच गया स्कूल के पास। जो पुल है 1934 का बना हुआ है, वहाँ पे लिखा है। और एक पेड़ है जो देखने में नीम की तरह है लेकिन ये नीम नहीं है। नीम इसके पत्ते नीम के पत्तों की तरह मिलते हैं। इस नदी पे है। का बना हुआ है, वहाँ पे लिखा है। और इस तरफ यहाँ की नदी, इस तरफ तो सारा पानी उस नदी में आता है। और यहाँ से सीधे उस समुद्र में जाके मिलता है। इस नदी से वो पर्वत दिखाई देता है, देखिए इस तरफ। पर्वत काफी खूबसूरत है। यहाँ का रास्ता उस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी तेज गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं। यहाँ पे छोटा सा एक रास्ता बनाया गया है स्कूल पे चलने के लिए। और इस तरफ नदी, जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं तो ये हिल रहा है ये पुल। और इमली के पेड़, इमली के फल भी है। पेड़ पे बहुत सारे इमली के फल। इस तरफ का ये रास्ता पीछे
कुछ विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी घूमना पसंद करते हैं। मैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ इसलिए चल रहा हूँ, वो लोग ऐसे घूमते हैं हर जगह चलते रहते हैं। इस तरफ फैंसी है देखने में, एक और इमली का पेड़ यहाँ पे, बहुत सारी इमली है इसमें। मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, कोशिश में एक ही जगह है जो नमक बनाया जाता है यहाँ पे, इस तमारा नाम की जगह थी। यहाँ पे नमक बनाया जाता है और कुछ लोग आ रहे हैं तो देखिए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी दूर और चलते हैं, मेरे पीछे एक खूबसूरत पर्वत दिखाई दे रहा है। और यहाँ है वो नमक की फैक्ट्री, इस तरफ यहाँ का रास्ता, इस तरफ नमक बनता है देखिए वहाँ पे। और यहाँ से नमक भी बेचते हैं, साल शॉप लिखा है वहाँ पे, कुछ लोग खरीद के ले जाते हैं यहाँ से बेचने के लिए। यहाँ नमक बनाया जाता है, पानी को रखा जाता है देखिए। और यहाँ नमक शॉप है तो कुछ लोग नमक खरीद रहे हैं वहाँ पे। लोग वैन में है, कुछ घर में है। खजूर की तरह दिखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये भी खजूर नहीं है। और एक पेड़ है बिल्कुल देखने में नारियल की तरह है, लेकिन देखिए इसमें फल कैसे लगे हैं। तस्वीरें खींच रहे हैं उस तरफ, चलिए थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। वहाँ से उस नमक फैक्ट्री से थोड़ा सा आगे आने के, यहाँ पे कुछ लोग पेंटिंग बना रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है।
समुद्र से पहले तो देखने में काफी खूबसूरत यहाँ पे कुछ लोगों की गाड़ी खराब हो गई, वो ठीक कर रहे हैं। यहाँ के समुद्र पे पहुँचने वाला है, यहाँ भी अभी अभी कुछ लोगों ने पेंटिंग बनाया दिखाई दे रहा है। एक सूखा हुआ पेड़ जो दिखने में काफी अनोखा है। और मैं पहुंचने वाला हूँ यहाँ पे समुद्र पे, कुछ लोग हाथ हिला रहे हैं। तो पापा फेसबुक लो यूट्यूब यहाँ का सर्फिंग का स्कूल है। मैं पहुंच गया हूँ यहाँ के समुद्र पे। जी डेढ़ बज गए हैं, ज्यादा लोग नहीं है समुद्र पे। कुछ कबूतर दिखाई दे रहे हैं, देखिए काफी छायादार पेड़ है। बस इन नावों को देखते हैं और इन लहरों को देखते हैं। लैंडिंग स्टेशन है यहाँ पे, जो मछली पकड़ के आते हैं यहाँ पे सारी मछलियों को उठा रहे। पेड़ों की छांव में कुछ लोग बैठे हैं और डेढ़ बजे की धूप, बिल्कुल नीला आसमान और बड़ी बड़ी लहरें। कुछ समुद्री घास है यहाँ पे, ये देखिए कहीं और से लहरों ने धक्का मार के यहाँ पे किया है। वहाँ पे जो बहुत सारी तो आज के लिए इतना ही, ये ब्लॉग काफी बड़ा हो जाएगा, फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग में।